दूसरा फितना होता है शहवात का फितना, जिसे हम उर्दू जबान में और आसान लफ्ज में कह सकते हैं ख्वाहिशात का फितना। ख्वाहिशात के फितने के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम में फरमाता है, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीर अल मुकंतरा मिन अद्दहब वल फिद्दा वल खैल अल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्स। लोगों के लिए मुजयन कर दी गई है शहवात की महब्बत, ख्वाहिशात की महब्बत, वो औरतों में से हैं, औलाद में से हैं, बेटों में से, सोने और चांदी के ढेर कर लेने में है, निशान ज़दा घोड़े, मौजूदा ज़माने में हम इसको कह सकते हैं बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ, वल अनाम जानवर, वल हर्स और खेती। इसका तस्करा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया। ये जिन चीज़ों का तस्करा किया गया है, चाहे वो औरतें हों, औलाद हो, सोने चांदी यानी रुपए पैसे का ढेर हो, बेहतरीन किस्म की गाड़ियां हों, जायदाद और प्रॉपर्टी हों, ये सब कुछ नहीं है कि आदमी इसमें खो करके और याद आखरत से बंदे मोमिन गाफिल हो जाए, ये सब कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, ये सब चीजें सामान जीस्त हैं, दुनिया की जिंदगी असबाब दुनिया हैं, यानी दुनिया की जिंदगी गुजारने का सामान है। और मैं अर्द करूं कि मता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दुनियावी साजो सामान की कितनी कीमत है, बहुत बड़े लोगवी थे। और उन्होंने एक रिवायत पढ़ी, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, दुनिया सब की सब मता है और उसमें बेहतरीन मता नेक बीवी है। तो इन्होंने सोचा कि ये मता क्या चीज है। इस लफ्ज मता की तहकीक करने के लिए वो गए कहां पर, बद्दुओं के मोहल्ले में रहने लगे, ये पता लगाने के लिए कि मता का हकीकी माना मैं मालूम कर लूं। कहते हैं कि हफ्तों वहां गुजरना पड़ा। इत्तेफाक ऐसा कि एक मरतबा एक बद्दू की औरत, बद्दू यानी अरबों के देहाती लोग, एक बद्दू की औरत ने खाना बनाया और खाना बना करके वो कहीं निकल गई बाहर। तो जो साफी होता है, जिसे गर्म बर्तन को उतारा जाता है, साफी खाने को उतारते हुए उस कपड़े में कुछ लग गया, इतने में एक कुत्ता आया और वो साफी लेकर के फरार हो गया। अब बद्दू आया शोर मचाते मचाते, का दाल जाल कल्ब व ज़हबा बिल मता, कुत्ता आया और मता लेकर के चला गया। तब उनको ये पता चला कि मता का इतना हकीर माना है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये दुनियावी असबाब सामान जो हैं, चाहे हमारी आपकी निगाह में कितना ही कीमती हो, लेकिन आखिरत के मुकाबले में ये मता ही हैं। ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बेहतरीन ठिकाना है।